No, no, no. I have just met her and I had told her कि I want to work with her and I had told her I'm working on a script which I would like to give it to. इतना ही हुआ, लेकिन वो सब प्रेस में आ गया कि मैंने already signed and so on, ऐसा नहीं है। ये है डायरेक्टर श्रीराम राघवन का वो स्टेटमेंट जिसने पिछले कुछ दिनों से आ रही दीपिका के श्रीराम राघवन की नेक्स्ट फिल्म को साइन करने की न्यूज पर लगा दिया है फुल स्टॉप। दरअसल कुछ समय पहले श्रीराम राघवन और दीपिका की एक मुलाकात के बाद ऐसी खबरें आने लगी कि दीपिका ने उनकी फिल्म को कर लिया है साइन, लेकिन इस खबर की सच्चाई जब जूम ने खुद डायरेक्टर श्रीराम राघवन से जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमें उस मुलाकात की वजह को डिटेल में समझाया। No, I have just met her and I told her कि I want to work with her and I told her I'm working on a script which I would like to give it to. इतना ही हुआ, लेकिन वो सब प्रेस में आ गया कि मैंने already signed and so on, ऐसा नहीं है। But I hope to, I mean I would love to work with her and I hope to. Well, Zoom से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान श्रीराम राघवन ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि जिस फिल्म के लिए दीपिका का नाम सामने आया है उस फिल्म का स्टोरी प्लॉट किस तरह का होगा। See, I mean, that story is such ki the, it's a main, it's a very female-centric role, you know? So I'm not thinking of the other actors till I get my main character right. चलिए, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी फिल्म की स्टारकास्ट फाइनल हो जाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।